तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और 10 शेमन यहां पे इतना अटैक करने को तैयार थे, जो नॉर्मल पब्लिक यहां पे देख रही थी ना वो भी कह दो कह दो। फाइनली 10 शेमन ने कोई फैसला यहां पे उठाया, उनका जो मेन बंदा था वो शाय वो आराम से यहां पे बैठ गया है। बैठे हुए तो उसने अपना हाथ जोड़ लिया और ऐसा तो मेडिटेशन यहां पे करा है। उसके नीचे 10 ऐसे रिंग यहां पे अपेयर हुए गुलाबी कलर के। उसमें जो वुडाई नाम का लौंडा था वो भी अचानक से जो जोर से चिल्ला रहा है, उसके चिल्लाने से साउंड वेव यहां पे रिलीज हो रहा है। और साउंड वेव जो कि 10 रिंग है ना, 10 रिंग के साथ यहां पे जुड़ रहा है। अरे अरे सब मिलके करना क्या चाहते हैं, अपना 14 डिसिपल देखता है, फट के 64 हुई पड़ी थी। मनी मन सोचता भाई मुझे इतना डर लग रहा है कि मन तो कर अपनी जान बचाऊं यहां से निकल जाऊं, लेकिन अपन यहां से निकल गया तो भाई नाव चलाएगा कौन। और पास मास्टर जो कि बिंदास आराम से खड़े, उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन यहां पे नहीं है, शायद उनको कोई फर्की वर्की अभी नहीं पड़ रहा। एल्डर हुआ बताता भाई ये उनका बीच क्राफ्ट है क्या ना, 10 जो कमाल के शेमन यहां पर है बीच क्राफ्ट की टेक्निक करने के लिए बड़े फेमस यहां पे थे। सबकी अलग अलग टाइप की बीच क्राफ्ट यहां पे थी, तो अलग अलग करने पर अलग अलग फायदा होता और ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन साथ में करने से ना दुश्मनों को ज्यादा नुकसान होगा और अपना ज्यादा ही फायदा यहां पर होगा, इसलिए साथ में मिलकर करना चाहते। अपना बुड्ढा कहता है कि मैंने कभी भी 10 शेमन की पावर यहां पे नहीं देखी, इसलिए आज मैं देखना चाहता हूं ये 10 शेमन में कितनी पावर है। मनी मन सोचता कि अगर अंजाम यहां पे बुरा हो गया, हमारी अगर जान जाने की बारी आ गई तो मैं मालूम है क्या करूंगा, या जितने भी पॉइंट है सारे पॉइंट लगा के कार्ड यहां पे बाय करूंगा, जान बचाऊंगा और निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। जो अपना तीसरा यहां पर ना वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, ये कहते हो पागल यहां पे नहीं हूं जो तुमको सब कुछ अपन करने देगा। तो सामने से जो उनका एक बंदा है ना अटैक करता है, अटैक नहीं करता, शील्ड यहां पे तैयार करता है और कहते दफा हो जाओ। और शील्ड की वजह से ना अपने तीसरे डिसिपल का कोई भी अटैक यहां पे नहीं लगता, चौथा देख के समझ जाता ऑफ कोर्स भाई जाहिर सी बात है बुद्धू नहीं है, वो लोग कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, हम रोकने की कोशिश यहां पे करेंगे, लेकिन हम उनको ना रोके इसके लिए उन सालों ने शील्ड विल्ड यहां पे बना दिया है। एल्डर हुआ यहां पे नोटिस करता है कि वेल जो तीसरा डिसिपल यहां पे था अभी उसके अवतार में एक पत्ता यहां पर आया, लेकिन उसका एक पत्ता जो नॉर्मल 3 पत्ते के अवतार रहते ना उसके बराबर यहां पर, लेकिन तो भी इसके अटैक और ना उस वो शाओ ने आराम से रोक दिया। इससे यही साबित होता है कि वो शाओ का जो पावर यहां पर है ना वो लगभग 6 पत्ते के बराबर यहां पर होगा। जो वो बूपिन यहां पे था ना ये भी देखता है कि भाई प्रे फ्रेज और सैक्रिफाइस यानी प्रार्थना तारीफ और जो सैक्रिफाइस है ना ये तीनों की फीलिंग आपस में मिल चुकी है, तो ये होता है एग्जैक्टली विचक्राफ्ट। और इस विचक्राफ्ट जो भी तैयार लोग कर रहे हैं तो प्राइमर एनर्जी होती है जो कल्टीवेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मानुआ के अंदर, वो भी रिलीज हो रहा है। डोंट नो क्या करना चाहते हैं, जो पब्लिक देख रही थी ना वो भी कहती है ओ माय गॉड यार एनर्जी में अलग से सजेशन आया है जो कि नीचे साइड आ रहा है, अरे एक बार में अटैक करके ये लगता है सबकी जान यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो उनका कुछ हो ही चुका था ऑलमोस्ट, अपना एल्डर वहां आगे बढ़ जाता है, ये कह दो कि वेल ये जो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ना, जब मैं बुड्ढे के साथ फाइट करने आया था तो मुझे यूज करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज अपनी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है वो टेक्निक अपन यहाँ पे यूज करेगा। तो वो टेक्निक यूज करता हमको मालूम है शील्ड बनाना, यही इसके सबसे कमाल की टेक्निक है। और ये भी है ना अवतार पर है 6 पत्ते वाला, तो ये एक्टिवेट यहाँ पे कर लेता, पब्लिक भी देख के दीवानी को मैं 6 पत्ते वाला अवतार है इसके पास। तो अपने तीसरा डिसिपल भी कहता है एक सन पूरा पावर यूज नहीं की, मैं उनके साथ रोज फाइट करता था प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन तो भी एल्डर हुआ ने कभी अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज नहीं की। तो एल्डर हुआ की जो पूरी रियल मेन पावर है ना वो कितनी हो सकती है रे, सामने से अपने एल्डर हुआ कहता भाई मेरा जो अपोनेंट यहाँ पर है ना एक दो नहीं बल्कि 10 कमाल के शेमन यहाँ पर है, तो आज मैं देखना चाहता हूँ क्या दम है तुम्हारे अंदर और कितना दम है। बुड्ढे जी जब तक का फायदा यहाँ पे उठाइए, मैं इनको रोक के रखता हूँ और आप यहाँ से निकलने के बारे में सोचिए। उतने में जो लुओशी यहाँ पे था एक कमाल का स्वॉर्डमैन जिसके बारे में बातचीत यहाँ पे चलू थी वो आ जाता है और कहता है एल्डर हुआ तू हमारे राइटियर सेट का मेंबर यहाँ पे था लेकिन बाद में तू इनके सेट का मेंबर बन गया धोखेबाज, ये ले अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो अपने बूपिंग भी देखते हैं कि एक सेकेंड यार ये लुओशी भी यहाँ पर आ गया, फटाक से अटैक कर दिया, ये भी है ना शेमन के अंदर यहाँ पे था तो चाहे ये हिल नहीं पा रहा था लेकिन अचानक से हिलने कैसे लगा। उतने में डुआन नाम का ये जो मेंबर था ना ये भी आता है और सामने से वूपिंग से कहता है हेलो मास्टर, तो वूपिंग भी कहता है हेलो 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 बोलो क्या काम है अचानक से तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो ये समझाते हैं कि सबसे पहली बात है ना लुओशी के पास मैं गया था और सही टाइम पर उसको यहाँ पर लेकर आ गया, रही बात है ना उसको कहीं को रोका नहीं जा रहा, तो भाई 10 शेमन के साथ मैंने बहुत पहले बात कर लिया था हम फिंड टेम्पल यानी डेमोनिक टेम्पल या इविल टेम्पल कह लो उसके जो भी मेंबर्स है ना हमको बिल्कुल भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, वो चाह के बिना हम लोग का कुछ भी काट नहीं सकता, ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या बढ़िया। ये लुओशी लुओ चांग एक लड़का यहाँ पर उसका भाई यहाँ पर है, वे लोग दुनिया में 3 जो कमाल के स्वॉर्डमैन होते ना उनमें उसका एक नाम यहाँ पर आता है, तो जाहिर सी बात इसमें किसी से भी कम पावर यहाँ पे नहीं है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, यानी पूरा डिपेंड है ना हम इसके ऊपर यहाँ पे हो सकते हैं। अब आते भाई उसे लुओशी की ओर जो कि अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ चुका था और हमारा वही एल्डर हुआ मनी मन सोचते कि अब एक जो 14 डिसिपल है ना वो नाव चलाने पर ध्यान दे रहा है इसलिए फाइट नहीं कर सकता, तीसरा वो तीसरा फाइट करने के लिए लगा पड़ा है जो अपनी छुटकी उनार यहाँ पर है ना वो फाइट नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो डिवाइन स्टेज की है और सामने बंदे ना वो सब ट्यूलेशन स्टेज के जुओ और साथी में जोंग वो भी डिवाइन स्टेज के, तो जाहिर सी बात है वो भी फाइट नहीं कर पाएगी और नहीं अपनी 5 डिसिपल कर पाएगी। उसके अलावा और भी छोटी मोटी ढेर सारी है ना लड़कियां यहाँ पर हुई बड़े बड़े अरमानों वाली
उस तब तो और कम लेवल के, तो जाहिर सी बात वो भी फाइट नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट अभी के लिए पूरे 9 पे एल्डर हुआ, यानी मैं इकलौता हूँ जो कि फाइट यहाँ पे कर पाएगा, तो वो तो फाइट करने को तैयार ही था। तो ये लोग कहते रहे संभल के यार, चौधरी साहब अपने मास्टर से कहते कि बुड्ढे जी मास्टर जी यार कुछ करो यार, कब तक तमाशा देखते रहोगे। तो अपना जो बुड्ढा है वो कार्ड यहाँ पे निकाल लेता है वो अटैक करने के लिए या फिर बचने के लिए कुछ भी करने के लिए। तो सामने से ना एल्डर हुआ चिल्लाता कि बुड्ढे जी प्लीज आप पीछे हटिए, जो कुछ है ना मुझे यहाँ पे करने दीजिए। अपना बुड्ढा भी लाइक अभी भी इसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, जो कुछ है ये अकेले यहाँ पे कर सकता है, लेट मी सी भाई ये क्या कर सकता है। सामने से उसका जो भी शील्ड का पावर यहाँ पे था ना पहले से डबल यहाँ पे हो जाता है, जो कि पूरे शिप को कवर अप यहाँ पे कर लेता है। और लुओशी जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, लुओशी पे चिल्लाता तो हर वहीं के लुओशी भी चिल्लाता गद्दार के बच्चे, दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता, हाँ यहीं पे खत्म हो जाता। अगला चैप्टर अभी तक तो नहीं आया है जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो एक दो दिन बाद शायद रिलीज हो जाएगा, तो उसके अगले दिन अपन चैप्टर भी डाल देगा, इसलिए डोंट वरी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।